सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल। यूएसए टीवी पेश है स्पेशल रिपोर्ट। अमरीका तो बिना कोविड रोकू टीका लगवाए फ्रांस आने वाले यात्रियों नूं 10 दिनों तक स्थानिक अधिकारियों की निगरानी दे विच स्वै एकांतवास दे विच रहना होगा। सरकार दे वल्लों ऐलानी यह पाबंदी एतवार तो लागू हुई है। फ्रांसीसी सरकार दे वल्लों ऐलान किए गए नियमों के तहत अमरीका तो आने वाले यात्रियों नूं फ्रांस के लिए जहाज दे विच सवार होने तो पहला टीकाकरण सर्टिफिकेट तो इलावा कोविड जांच RT-PCR एंटीजन जांच की नैगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। 48 घंटे तो पुरानी नहीं होनी चाहिए। जिक्रयोग है कि इस तो पहला अमरीका तो बिना टीकाकरण आई यात्रियों सिर्फ 7 दिन बिना अधिकारियों की निगरानी स्वै एकांतवास के रहन की लोड़ सी। फ्रांस के लगातार 4th दिन 2 लाख तो ज़्यादा COVID-19 के नवे मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन वैरियंट के नाल इन्फैक्शन तेजी के नाल वध्या। सो फ्रांसीसी अधिकारी भी टीकाकरण ना करवाने वाले ते दबाव वधा रहे हैं। सरकार दे वल्लों ऐलानी यह पाबंदी एतवार तो लागू हुई है। फ्रांसीसी सरकार दे वल्लों ऐलान किए गए नियमों के तहत अमरीका तो आने वाले यात्रियों नूं फ्रांस के लिए जहाज दे विच सवार होने तो पहला टीकाकरण सर्टिफिकेट तो इलावा कोविड जांच RT-PCR एंटीजन जांच की नैगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। 48 घंटे तो पुरानी नहीं होनी चाहिए। जिक्रयोग है कि इस तो पहला अमरीका तो बिना टीकाकरण आई यात्रियों नूं सिर्फ 7 दिन बिना अधिकारियों की निगरानी स्वै एकांतवास के रहन की लोड़ सी। फ्रांस के लगातार 4th दिन 2 लाख तो ज़्यादा COVID-19 के नवे मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन वैरियंट के नाल इन्फैक्शन तेजी के नाल वध्या। सो फ्रांसीसी अधिकारी भी टीकाकरण ना करवाने वाले ते दबाव वधा रहे हैं।